हेलो माय डियर माय स्टूडेंट्स माय सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज़ एजुकेशन आज का जो वीडियो है बच्चे इंडिया में बहुत सारे कंफ्यूज़न रहता है और ओवरसीज़ स्टडी के लिए जब हम सोचते हैं अगर आप पेरेंट्स क्यों भेजते हैं बच्चों को बार ओवरसीज़ के लिए Uh, कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छी कॉलेजेस नहीं है इंडिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया इज़ द बेस्ट इंडिया में भी है बहुत सारी चीज़ें बट अगर आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो आपने भी सुना होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी तो वो भी जब बाहर जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनकी बुराई करते कि ऐसे ही घूमते रहते हैं कुछ भी करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों अगर कोई बाहर जाता है तो वहाँ पे वो क्या कल्चर है दूसरा कंट्री कैसे डेवलप है इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री में है वी आर नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड तो अगर वहाँ पे जा रहे हैं कोई पर्सन जाके बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी कैसे वो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका कल्चर कैसा है वो कैसे किस तरह से उनकी कंट्री को उन्होंने डेवलप किया है तो वो इंडिया आके आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इंडिया को एक डेवलप कंट्री की ओर लेके जाते हैं तो उसी तरह से जब पेरेंट्स है या जो भी पेरेंट्स है या जो बच्चे अपना सपना ओवरसीज़ में देखते हैं वो यूरोपियन कंट्री हो या यूके हो कनाडा हो ऑस ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो अमेरिका हो सब जगह ऑप्शंस बच्चों के लिए खुले रहते हैं ट्वेल्थ के बाद या अब बैचलर के बाद लेकिन उस हायर एजुकेशन के साथ साथ आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो फाइनेंस फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो अब हर कोई तो करोड़पति नहीं है हर कोई तो लखपति नहीं है तो वो अपने बजट के हिसाब से ही उसके एजुकेशनल फ्यूचर प्लान को सेट करेंगे पेरेंट्स अगर कोई वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है या आईटी में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके बजट के हिसाब से उनका तो सैलरी फिक्स रहता है कि इतना इतना उनको मिलता है तो अपने बजट के हिसाब से अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए वो प्लान करते हैं तो इसीलिए वेल केयर ओवरसीज क्या कर रहा है कि आपको फ्री एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं यूरोप में बहुत सारी कंट्री है जो आपको फ्री एजुकेशन देती है मीन्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हो तो वेलकेयर ओवरसीज जर्मनी के लिए आपके लिए ऑप्शन जो लेके आते हैं उसमें आप फ्री में पढ़ सकते हो फ्री का मतलब आ, आपको ऐसा भी नहीं समझना है कि सब कुछ फ्री है रहना खाना वो नहीं आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो आपकी माफ़ हो सकती है मतलब वो नहीं लगेगी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा तो वही हम अगर कंपेयर करें यूके कनाडा यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया दो कंट्री तो वहाँ पे आपको लाखों रुपए का फीस भरना रहता है दस लाख पंद्रह लाख आठ लाख ऐसे आपका पर ईयर फीस रहता है तो वहाँ पे वो आप अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप कैसे अफोर्ड करोगे तो इसीलिए लिए वेलकेयर well ओवरसीज़ जर्मनी में आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं जहाँ पे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ सकते हो बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करने चाहिए और वो भी हम आपके लिए साथ में खड़े क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए और अगर आप जर्मन टॉट में पढ़ते हो जर्मन लैंग्वेज में तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि एक तो आपका बच्चा हिंदी जानता है इंग्लिश भी जानता होगा और किसी स्टेट से बिलोंग कर रहा है जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ अगर कर्नाटका से हमारा बच्चा बिलोंग कर रहा है तो वो कन्नडा भी जानता होगा इंग्लिश भी जानता है हिंदी भी जानता है और अगर वो एक और फॉरेन लैंग्वेज सीख जाएगा मान लो जर्मन में जा रहा है जर्मन टॉट सीख जाएगा तो उसका और एक एडिशनल प्लस पॉइंट है उसके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में क्योंकि जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा जर्मन में उसको जर्मन भी आएगा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज वहाँ पे भी वो काम कर सकता है पूरा यूरोपियन कंट्री में और अगर इंडिया आ गया तो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जर्मन कंपनी है और उन कंपनी में वो एक अच्छे पैकेज के साथ अच्छी सैलरी के साथ अपने फ्यूचर को आके लेके जा सकते तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ओवरसीज़ में जाने के और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं एजुकेशन ही नहीं हम कल्चर भी सीखते हैं टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं और कैसे हम अपने कंट्री को एक ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं वो सारा चीज़ें हम सीख के अगर अपनी होम कंट्री में आए और उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली आप कोई भी बिजनेसमैन को देख लीजिए वो गारमेंट का बिज़नेस हो हार्डवेयर का बिजनेस हो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो वो डेफिनेटली जो बड़ा बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहा है और अपने बिजनेस के डेवलपमेंट को कैसे करना उनको पता है तो वैसे ही आपके एजुकेशन करियर में आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हो और वेल्थ केयर ओवरसीज़ आपके साथ खड़ा है और कैरियर काउंसलिंग आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब चीज़ों के लिए क्योंकि आप एक दो मिनट में वो चीज़ नहीं समझ सकते आपको प्रॉपरली कैरियर काउंसलिंग लेना चाहिए और इसके लिए वेल्थ केयर ओवरसीज़ डॉक्टर नरेश भाटिया आपके साथ खड़ा है जो भी आपकी क्यूरीज़ है आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी करियर की काउंसलिंग ले सकते हैं और करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में आप रखे अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त जय कर्नाटका जय भारत एंड जय हिंद